लाला सादिक, लाला मोहम्मद सादिक गुज्जर का स्पेशल कसूरी फालूदा। और आपके पास हम आए हैं जी, आप ही आ जाओगे आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर थोड़े अंदर असी आके छापा मारना है, देखना है कि तुसी की पाते हो, की लोगों को खवाते हो। लाले सादिक का बहुत स्पेशल फलूदा है और सरकार से सलाम करते हैं। फलूदा पी के भी जाते हैं तो बच्चों वास्ते पैक भी करा के ले जाते हैं। अदरसे और फलूदा नहीं तो सानू भी पैक करके दोगे इंशाल्लाह जी। हां तो देखो जी सारा तो वादा हो गया कि सानू अदरसे तो फलूदा पैक करके देंगे, लेकिन पहले इन्हों से तुम गलबात कर ली। असं अंदर भी जाने और बच्चों गल करने की इजाजत है। सर तुहाडा नाम? बाबा असलम जी। बाबा असलम बाबे नहीं है तुसी, उन तो आड़ी दाड़ी चिट्टी है। हाँ ठीक है। वो खैर है, मैं लंदन में था, मेरा दोस्त है फारूक, वो मुझे कहा करता था यार उठो अंदरसे लेके आने ने। मैं फिर किसी को फोन करना, उन्हें अंदरसे दे के जाने, फिर मैं लंदन लेके जाने। बड़े मशहूर ने उतो जरा है लाला मोहम्मद साहब। लाला मोहम्मद बड़ी पुरानी दुकान है, इतने रश भी बड़ा आता, बहुत रश होता है। और मैं लगता है कि इतने लोग पैसे दे के भी खाते ने, मुफ्तियां का भी बड़ा रश होता है। नहीं नहीं मुफ्तियां का रश नहीं होता, ये बात नहीं है। किसी को नहीं भी पैसा आ तो खा जाता है, कोई बात नहीं है। कामयाबी का राज, असल कामयाबी का राज ये है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो ये उसको भी खिला देते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है, आपकी दुकान पे माशाल्लाह रश बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बेपनाह लोग आते हैं। इधर देखो युगंडा की मत भी आई है। तुम इतने की कर दो भैन? साडा होटल है। केड़ा होटल है? रिहायशी होटल है। रिहायशी होटल है तुहाडा? अच्छा इतों तुम अंदरसे खाते हो, फलूदा खाते हो, मज़ा आता है? जनाब असी की पूरी दुनिया आगे खाती है, पंजाब विच सिंध विच आते हैं। नहीं अल्लाह होर ज़्यादा इन्होंने बरकत देवे, लेकिन गल का मकसद है कि जो कुछ बनाते हो सारा तुम खा जाते हो या लोगों भी देंगे हो? जनाब असी भी कुछ खा जाने, कुछ लोग खा जाते हैं। अल्लाह खैर करे। आओ जी अंदर चलते हैं, असी जरा लाला जी को मिलिए, उन्होंने भी चार गल् करिए। आ जा मेरा शहजादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं असल च बड़ा कुब्बा जिहा होकर तुहाडे नाल गल कर रहा ना। मैं सिर्फ ये कहना कि अल्लाह तुहानू होर ज्यादा इज्जत बरकत शोहरत देवे। तुहाडा फलूदा बड़ा मशहूर है, कसूर तो दी वजह की? बाबे फुले शाह की दुआ है। वो तो हैगी, वो तो सारे कसूर नू दुआ हैगी है। वो तो जिदा जिदा कसूर होवे या ना होवे ओनू ही दुआ है। बाबे फुले शाह की दुआ है। और दूसरे नंबर हम एक चीज खालिस है हमारी, हर चीज मिलावट से पाक है। मतलब की तुसी फलूदे दे विच फलूदा ही पांदे? दूध ओरिजिनल दूध है, ओरिजिनल पाक है। अच्छा हमारा अपना दूध है। हैं तुहाडा दूध? नहीं बच्चे हां जी बैसे। तुसी क्या है इंज मैं डर गया, मैं कहा तुहाडा भी कोई दूध दे। तुसी उधर नहीं भाई मजा आ रहा है, गुफ्तगू का मजा आ रहा है। अल्लाह 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 तुम जिंदगी दे। और ये हम गुजर बरादरी है, हमारा दूध से लेकर तैयारी तक कोई चीज मिलावट में नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब की जात का। अच्छा ये वजह है कि आपका ये जो सिस्टम है ये ज्यादा लोग पसंद करते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा भाई खातिन हज़रात, आपने देखा है कि इनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि बिल्कुल, और वाकई दोबारा बोल दें, मेरे वारिस साहब का नाम है लाला सादिक गुजर, एक नाम है ब्रांड है। नो डाउट जी, माशाल्लाह इधर आया हूँ मैं तो लाला सादिक जो है वाकई एक ब्रांड है। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि आप नीट क्लीन और खालिस चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह पाक भी बरकत डालता है, और इनके काम में अल्लाह पाक की बरकत ही है। और भाईजान वैसे मैंने एक चीज़ नहीं पूछी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, माशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे दी। वैसे तुसी आप भी मैं लगता फलूदा बहुत खाते? कल खाया अभी जी। है? कल खाया अभी जी। नहीं जो कल खादा सी किन्ने दिनों के बाद खादा सी? दो दिन के बाद। दो दिन का फाका इन्होंने किया और सिर्फ फलूदा ही खादा। अब वेख लो हालत, वेख लो बाहर निकले ने। उधर कर लो जी गल, कह रहे उधर कर लो, ये वाला छोटा भाई है। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਾਈ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਵਾਕਈ ਹੋਟਲ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਭੈਣ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ, ਗੱਡੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚਾ ਸੌ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੁਮਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਹੈ
खान साहब सलामत अली खान जरा सुनाओ की सुनांदे अजी कोई नहीं सुना सकते जनाब सानू अंदर अजी न सलाम अजी देखो अगर मैं तुम्हें पश्तो गाना सुनाऊं मुझे पैसे दोगे? हाँ चलो पैसे निकाल के उनको मैं सुनाता हूँ यार जी सुनाए माता पश्पीना खला खंदल मकावा मड़बा मिके जमा जनाना मड़बा मिके टैं टैं माता पश्पीना खला खंदल मकावा मड़बा मिके जमा जनाना मड़बा मिके दिसपुंग में खोरे मड़बा मिके कितने पैसे की बात नहीं नहीं हुई थी हुई थी हुई थी बीबी शीरीनी जल्दी गोली आप भी बोले ना कट्ठा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैंने आप ही बार जे हो जा तेरा मुंह है तू कल्ला ही बोल नहीं बोलो आता तुम्हें यार है गलत गल मैं चंगे भले फलूटे के प्रोग्राम से आया तू मैं इधर केड़े पास ला दिता है अच्छा खातिन औजाद अब मैं चाह रहा हूँ कि इनसे काफ़ी माशाल्लाह अच्छी बातें हुई हैं एंड टाइम हैज़ गॉन मैं उनसे भी मिल लूँ लाला जी से और इनसे तो मेरी बात हो गई है लेकिन ये सच है कि लाला सादिक साहब की ये जो शॉप है माशाल्लाह अल्लाह और ज़्यादा इनको रिस्क दे और बहुत अच्छा इनका माहौल बड़ा अच्छा है लोग बड़े अच्छे हैं प्यार करने वाले हैं और इनका सौदा बड़ा अच्छा है नीट एंड क्लीन है ये तो मैंने देख भी लिया और इंशाल्लाह खा के भी चेक कर लूँगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कसूर में आने वाला हर बंदा जो है ना वो फलूदा ज़रूर खाता है और फलूदा मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप आएँ तो लाला सादिक के यहाँ से खाएँ क्योंकि यहाँ पर आपको खालिस दूध का खालिस दूध हर चीज़ खालिस होती है ये तयशुदा बात है जो मैंने देखा है मैं कसम नहीं खा सकता इनकी भी लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ जो मैंने देखा है वो नीट एंड क्लीन एंड बिल्कुल बिल्कुल खालिस चीज़ है आप आएँ जब भी तो लाला सादिक की दुकान पर आएँ और मेरा भी पूछ लेना कि भजन इतने की करना आया सी वो आप तुम दसणगे ठीक है मोहम्मद नदीम साहब इतने बहते हैं मोहम्मद नदीम साहब आपको बताएंगे कि मेरा उनसे अचानक कितना प्यार हो गया हालांकि इस दिन इनके घर वाले भी प्यार नहीं करते लेकिन मैं ठीक हाँ मजबूर हाँ ए माशाल्लाह तुहाडा की नाम सी शोएब मैं सी क्या है तुसी लाश हो तो फिर शोएब नाम दसो कौन जी मेरा नाम है मेरा नाम है शोएब शोएब ये शोएब भी बड़ा अच्छा बंदा है जी अल्लाह इसको जिंदगी दे अस्सलाम वालेकुम कुदर साहब तुसी नाम दसा सी मैं भूल गया माशाल्लाह जी अब्दुल वहीद साहब अब्दुल वहीद साहब जेड़ा उधर फलूदा विकदा है इधर विकदा है कुछ शाम नू उधर बचदा या इधर बचदा है वो सारा तुसी आप खा जांदे हो 24 घंटे दुकान खुली हुंदी है बचदा है ही नहीं ये रोज ताजा बनाईदा अरे माशाल्लाह बंद हुंदी नहीं रात वाले बंदे और ने वो आगे उबै जांदे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला तानू होर ज्यादा निकाल अल्लाह खैर मैं ये देखया कि तुम्हारे अखलाक बड़े अच्छे हैं सारे बंदे जड़े ने बड़े अखलाक वाले ने हसन खेडन वाले ने प्यार करन वाले ने और ऐसी दुकान दे उत्ते रश ना होवे कभी हो नहीं ना रश नहीं जरा मौसम दी वाल काट है ना नहीं मैनू इत्थे इस टाइम भी रश नजर आ रहा है लेकिन वो तुम्हारे लेवल का नहीं है तुम कहते हो ना बहुत दुनिया आती लाइन खड़ोती है वो चैनल बड़ी रूह से चला जाए और बड़ी बरकतों के नाल इनू बड़ी शोहरत मिले अल्लाह ताला खैर इंडिया और जब पाकिस्तान बना था ना ये उस वक्त ये दृश्य और फलूदा चल रहा है ये उन्होंने तैयार किया हुआ तो फिर जब 6 लोग थे ना उन्होंने उनसे किस्म ले लिया जब हिंदुस्तान पाकिस्तान लहदा लहदा होया फिर ये इधर तैयार होने लगे ये वो उधर तैयार होने लगे ये काफ़ी पुरानी डिशी है नहीं पुराने से मुराद मैंने पूछना ये चाह रहा था कि यार 400-500 साल पहले की है जी जी ऐसे ही है यानी ये बाबा बुल्ले शाह अल्लाह की रहमत करे वो जो औलिया थे वो उनसे पहले से ही है पहले हाँ उनसे पहले ऐसे ही है और ये आज तक खाई जाती है और ये बड़ी अच्छी डिश है जी जी अंदर से भी फलूदा और आपसे भी ये वो किधर चले गए हैं जी भाईजान लाला जी आप भी बताएं ना कुछ ज़्यादा ज़रा रोशनी डालें इस पर ये रोशनी ये है जी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था ना तो सब लोग इकट्ठे होते थे तो हमारे बड़े भी इकट्ठे थे उधर से एक ही होता था ना
तो फिर उधर भी ये फलूदा भी बनता था, अंदरसे भी बनते थे, हमारे बड़े लोगों ने उनसे हासिल कर लिया, फिर पाकिस्तान बन गया, फिर भारत इंडिया बन गया, फिर हम इधर वो उधर, फिर हम इधर तैयार करने लगे। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले तो ईजाद है, जो उसके बाद ये पाकिस्तान में जो आया ना, फिर हमारे बड़ों ने ईजाद किया है, फिर ये नस्ल तो नस्ल चल रही है, ये कसूर में ही चला है। नहीं, ये जो इब्तदा हुई है कसूर से हुई है, अमृतसर वगैरह से? नहीं जी, कसूर से ही हुई है। अच्छा। नहीं, हमने जो इब्तदा की है ना, जो हमारे बड़ों ने इब्तदा की है ना, कसूर से की है। हमारे बुल्ले शाह नगरी का नाम रखा हमने, बाबा बुल्ले शाह का तोहफा कसूरी फलूदा। हाँ, ये मिठाई अंदर से, हाँ, ये कसूर में हासिल हुए हैं। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है कि ये जो शुरू से, जैसे आप कह लें चार बाबा बुल्ले शाह के दौर से पहले का ये है, ये आइटम जो बिकता है, तो ये इब्तदा इसकी कसूर में हुई थी या किसी और शहर से हुई थी? कसूर में ही हुई थी। अच्छा, उस वक्त भी इब्तदा कसूर में? कसूर में ही हुई थी, कसूर में ही शुरू हुआ था ये फलूदा और अंदर से। उसके बाद फिर जो लाला सादिक का हमारा स्वाद है, इनसे हमने, वो उन्होंने अपने बड़ों से किस्म सीखा, फिर मैंने उनसे किस्म सीखा, ऐसे फिर लड़ी चलती आ रही है। माशाल्लाह जी, और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है जी कि ये जो आइटम है, ये चाहे 500-600 साल पहले की हो, ये स्टार्ट कसूर में ही हुई थी। अच्छा, आई डोंट नो द वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, बट ही टोल्ड मी कि जी कि ये कसूर की आइटम है, यानी कसूर और अमृतसर जब एक थे, जब हम पाकिस्तान इंडिया एक था। आप फलूदा देखेंगे ना, किस शहर में भी देखेंगे, वो कसूर का नाम लिखा होगा, कसूरी फलूदा। हाँ। ये नहीं कहेंगे ये पिंडी फलूदा या लाहौरी फलूदा, ये कसूर का फलूदा लिखा होगा बस। हाँ, लिखा हुआ तो काफ़ी जगह पे होता है, और मैंने देखा भी है और मैंने खाया भी है काफ़ी जगहों से, लेकिन आज जब मैंने कसूर से खाया तो यकीन जानिए, मुझे लगता है कि वो तो बड़े कसूरवार हैं जो कहते हैं कसूर का फलूदा दूसरे शहरों में, उनको नहीं कसूर का फलूदा कह के बेचना चाहिए। हाँ। कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी नस्बत वो बहुत ही बुरा होता है। अल्लाह कसूर का नाम बदनाम करते हैं। हाँ, पता हाँ, नहीं है, असल से कसूर ही होना चाहिए। हाँ। और मैं फिर, मुझे बड़े अच्छे सवाल का जवाब मिल गया जी, कि ऑनर की बात यह है कि ये पाकिस्तान जो अब है, अल्लाह इसको कयामत तक कायम रखे, उसमें यानी ये जो इब्तदा हुई थी अंदरसे की और फालूदे की, वो कसूर शहर से ही हुई थी, और आज पूरी दुनिया में खाया जाता है, लंदन अमरीका तक ये जाते हैं लोग, बड़े लेके जाते हैं, मेरे जैसे दोस्त भी अहबाब भी लेके जाते हैं अपने दोस्तों के लिए भी। और हमारी दुआ है कि लाला सादिक गुज्जर, इनका फालूदा जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी, बल्कि दिन चुगनी रात अठुगनी तरक्की करे। बहुत अखलाक वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, और प्यार के साथ ही अल्लाह ने के बाद